भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सूडान में संघर्षरत गुटों से मुस्लिम समुदाय के पवित्र माह रमजान के दौरान संघर्ष तत्काल रोकने की अपील की है। UNSC ने कहा कि यदि लड़ाई रुकती है तो 2 करोड़ से ज्यादा लोगों तक खाद्य सामग्री तथा अन्य मदद पहुंचाई जा सकेगी। बता दें कि रमजान का महीना सोमवार से शुरू होने की उम्मीद है। टोक्यो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मुलाकात की और उन्हें हाल में संपन्न विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता में दोनों देशों के द्वारा की गई प्रगति से अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने भारत और जापान के बीच वैश्विक व रणनीतिक साझेदारी को नया मुकाम दिया है। बता दें कि जयशंकर 6 से 8 मार्च तक जापान की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिनों की विदेश यात्रा पर मॉरिशस जाएंगी। उनका यह दौरा 11 मार्च से शुरू होगा। वह मॉरिशस के 3 दिवसीय राज्य के दौरे पर इस द्वीप राष्ट्र के राष्ट्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। इस दौरान भारत के 2 युद्धपोत INS तीर और CGS सारथी के साथ नौसेना की एक टुकड़ी भी समारोह में हिस्सा लेगी। विदेश मंत्रालय ने दौरे की घोषणा करते हुए बताया। गुवाहाटी में पीएम मोदी आज अपने असम दौरे पर हैं। इस दौरान वह आज सुबह काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने हाथी सवारी भी की। पीएम मोदी के हाथी पर सवार होकर सवारी करने का वीडियो भी सामने आया। असम के अलावा पीएम मोदी आज कुल 4 राज्यों का करेंगे दौरा। पीएम मोदी आज असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ यूपी का करेंगे दौरा। बेंगलुरु शहर के लोकप्रिय रेस्टोरेंट रामेश्वरम कैफे विस्फोट के 1 सप्ताह बीत गए हैं। वहीं 1 सप्ताह के बाद शुक्रवार को सख्त सुरक्षा के बीच रामेश्वरम कैफे को फिर से खोल दिया गया। इसके साथ ही भविष्य में कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि कैफे में 1 सप्ताह पहले हुए विस्फोट में 10 लोग घायल हो गए थे। कैफे को शुक्रवार की शाम 6 बजे फिर से खोला गया। भुवनेश्वर में बीजेपी की तरफ से आए एक ताजा बयान को देखते हुए लगता है कि ओडिशा में BJD के साथ गठबंधन के लिए चल रही उसकी बातचीत पटरी से उतर गई है। बीजेपी की ओडिशा यूनिट ने कहा है कि वह राज्य की सभी 147 विधानसभा तथा 21 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। पार्टी ने कहा कि ओडिशा में चुनाव पूर्व गठबंधन को लेकर सत्तारूढ़ BJD के साथ दिल्ली में हुई उसकी बातचीत बेनतीजा रही। आज कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में राहुल गांधी का नाम तो है लेकिन वह अमेठी से नहीं केरल के वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की पहली लिस्ट में प्रियंका गांधी का नाम नहीं है। कांग्रेस ने इस बार अपनी पहली लिस्ट में पूरा फोकस साउथ पर ही रखा है। नई दिल्ली की मंडौली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को फिर से लिखी चिट्ठी। इस चिट्ठी में सुकेश ने जैकलीन को अपनी लाइफलाइन बताया। इसके साथ ही इस चिट्ठी में सुकेश ने कहा है कि वह जैकलीन से मिलने को बेताब है। बता दें कि इससे पहले भी सुकेश कई मौकों को जैकलीन के नाम की चिट्ठी लिख चुका है। पुणे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता एवं बारामती की सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार शुक्रवार को बारामती तहसील के एक मंदिर में मिले और एक दूसरे को गले लगाया। ऐसी अटकलें हैं कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली NCP सुनेत्रा पवार को बारामती लोकसभा क्षेत्र में सुले के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। यहाँ से हर रोज लाखों यात्री उड़ान भरते हैं। लाखों यात्री विदेश से यहाँ लैंड करते हैं। इस एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसी और कस्टम जैसी एजेंसियां सुपर एक्टिव रहती हैं। इसी का परिणाम है कि कस्टम हर रोज एयरपोर्ट से करोड़ों रुपए का सोना समेत कई अन्य तस्करी की जाने वाली वस्तुएं बरामद कर रही है।